दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका भी अगर आरएसी टिकट है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका सीट नंबर कौन सा है, कोच नंबर कौन सा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी आप ट्रेन जर्नी करते हो तो उससे पहले आपको ट्रेन का टिकट बुक करना पड़ता है, और ट्रेन का टिकट अगर आप बुक करते हो और उस टाइम पर आपको आरएसी मिल जाता है तो काफी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है कि आरएसी कंफर्म होगा या नहीं होगा। काफी लोग ये सोचते हैं कि मेरा कंफर्म हो भी जाएगा, कोच नंबर कैसे पता चलेगा, बोगी नंबर कैसे पता चलेगा, सीट नंबर कैसे पता चलेगा, उनके मन में ये कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए आपने कोई भी आरएसी में ट्रेन का टिकट बुक किया है, जैसे ही आपने ट्रेन का टिकट बुक किया उस टाइम आपको ये तो पता चल गया कि आपको हाफ सीट जरूर मिलेगा। मतलब अगर आपका ट्रेन टिकट आरएसी में भी रह जाता है तो आपको हाफ सीट मिलेगा, आप आराम से बैठकर यात्रा कर सकते हैं, और आगे जाकर अगर कंफर्म हो जाता है तो आप फुल बर्थ में भी इंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसमें कोच नंबर और सीट नंबर कैसे पता चलेगा। अगर आपने आरएसी का ट्रेन का टिकट बुक कर लिया है तो कोच नंबर और सीट नंबर आपको ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले जब फाइनल चार्ट क्लियर होता है तभी आपको पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चल सकता। आप 2 तरीके से जान सकते हैं। पहला तरीका तो है, आप जैसे ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं तो स्टेशन पर जाते हो तो वहां पर रिजर्वेशन काउंटर है, वहां पर आप पूछ सकते हैं कि मेरा पीएनआर स्टेटस बताइए, तो वो आपको बता देंगे। और अगर आप रिजर्वेशन काउंटर पर लंबी लाइन होती है वहां पर आप पूछ नहीं सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल में रेलवे की वेबसाइट पर जा सकते हैं या ट्रेन मैन एप्लीकेशन में जा सकते हैं, वहां पर आप अपना पीएनआर डाल सकते हैं और वो नीचे रिजल्ट शो कर देगा। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा कोच नंबर है और कौन सी सीट नंबर है। वहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपका आरएसी कंफर्म नहीं होता है तो जैसे आपका कोच नंबर आया S10 और उसमें आगे कोई भी सीट आई तो S10 के पहले दोस्तों R लिखा हुआ आएगा, और अगर R नहीं लिखा हुआ आया तो आप समझ लीजिएगा कि आपका फुल बर्थ कंफर्म हो गया है। पर आपको ट्रेन का टिकट जो कोच नंबर और बोगी नंबर है, जो सीट नंबर है, वो ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले ही पता चलेगा। काफी लोगों का क्या होता है कि दोस्तों ट्रेन चलने के मतलब 1-1 महीने पहले ही उनका आरएसी कंफर्म हो जाता है, तो वो लोग ज्यादातर यही दोस्तों सर्च करते हैं कि मेरा ट्रेन का टिकट तो कंफर्म हो गया पर कोच नंबर और सीट नंबर मुझे कैसे मिलेगा। तो उनको भी कोच नंबर और सीट नंबर तो दोस्तों जब ट्रेन चलेगी उसका फाइनल चार्ट क्लियर होगा तभी पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। और साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपका ट्रेन टिकट आरएसी में रह जाता है तो आपको साइड लोअर बर्थ ही मिलेगा, ये दोस्तों गारंटेड है, रेलवे का ये नियम है। अगर आरएसी रह जाता है तो आपको साइड लोअर बर्थ दिया जाएगा क्योंकि उसमें 2 व्यक्ति आराम से बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा आज का वीडियो था, मुझे लगता है कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।